नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान के मंत्री की हेकड़ी निकल गई, कभी उड़ाया था इसरो का मजाक, अब चंद्रयान 3 को लैब दिखाने की कर रहे मांग। सालों तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मजाक उड़ाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने मंगलवार को भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 की प्रशंसा की और इसे मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत को बधाई देते हुए इमरान खान शासन के तहत पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपने देश से बुधवार शाम को चंद्रयान 3 की चंद्रमा लैंडिंग का प्रसारण करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पाक मीडिया को कल शाम 6:15 पर चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग को लैब दिखाना चाहिए, मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण, विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए बहुत बहुत बधाई। 2019 में खान ने भारत के मून मिशन का उड़ाया था मजाक। यह पूर्व पाकिस्तानी मंत्री द्वारा 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को बेरहमी से ट्रोल करने के बाद आया है। उन्होंने दूसरे चंद्र मिशन पर 900 करोड़ रुपए खर्च करने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाया था और कहा था कि किसी अज्ञात क्षेत्र में उद्यम करना बुद्धिमानी नहीं है। पिछले मिशन के अंतिम चरण में विफल होने के बाद उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर हैशटैग इंडिया फेल का भी इस्तेमाल किया था। जब विक्रम लैंडर का चंद्रमा से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपरी जमीनी स्तर से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 आज उतरेगा चांद पर। चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत के ऐतिहासिक क्षण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह पर सही स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार सफलतापूर्वक हुआ तो भारत एक विशिष्ट सूची यानी एलिट लिस्ट में प्रवेश करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लैंडिंग के पहले के 17 मिनट बेहद खास। चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। लैंडिंग से पहले के 17 मिनट बेहद खास होंगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिरी 17 मिनट में क्या होगा। दरअसल किसी भी स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा है। इस दौरान लैंडर चांद के ऑर्बिट से निकलकर सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इन अंतिम 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस प्रक्रिया में इसरो की ओर से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता है। इस दौरान विक्रम लैंडर को सही समय, ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल कर लैंडिंग करनी होती है। यही कारण है कि इस समय को 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।